नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम प्रकाश। वेलकम टू 7K नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस के न्यूज पोर्टल में व्हाट्सएप आइकन लगा सकते हो, जिसके थ्रू आपके जो यूजर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो आपसे डायरेक्ट लाइव चैट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज के इस टॉपिक। तो जैसा कि अभी हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं लेके चलता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो लाइव चैट जो व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन होता है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में ये व्हाट्सएप, मतलब यहाँ पर आप जिसकी ये वेबसाइट है, जो इस वेबसाइट का ओनर है, आप उसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे। उन्होंने अपना नंबर यहाँ पर लगा रखा है जिसके थ्रू व्हाट्सएप आइकन हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये व्हाट्सएप आइकन हम अपनी वेबसाइट में किस तरीके से लगाएंगे ये सीख लेते हैं। तो अभी हमें इस वेबसाइट में यहाँ पर व्हाट्सएप आइकन शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। सिंपली नीचे प्लगइन वाले सेक्शन में आ जाना है। सेक्शन में आने के बाद आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है क्लिक टू चैट। क्लिक टू चैट, तो ये सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक टू चैट, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। लगभग 400,000 एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस वाले प्लगइन के, तो ये काफी रिलायबल है, आप इसे यूज कर सकते हो एक्टिव। तो हमारा प्लगइन अभी एक्टिवेट हो चुका है। क्लिक टू चैट, सेटिंग्स पे चलते हैं इसके। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आप रैंडमली, अभी ये नंबर आ रहा है, अभी आप जो भी आपका नंबर है, जो भी आप कॉन्टैक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर यूज करना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। मैं अभी एक नंबर डाल लेता हूँ अपना। नंबर मैंने डाल लिया अपना। प्री फिल्ड मैसेज वो होते हैं, जैसे कोई आपको हाय या हेलो भेजता है यूजर, तो आपको जो प्री फिल्ड मैसेज होते हैं, जैसे वेलकम टू जो भी आपकी कंपनी का नाम है या फिर थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, तो इस तरीके से जो प्री फिल्ड मैसेज होते हैं वो आपको शो करेंगे, यूजर को शो करेंगे अगर आप यहाँ पर फिल करते हैं। कॉल टू एक्शन लगा सकते हो आप यहाँ पर। कॉल टू एक्शन का मतलब इसके थ्रू ही आपको कॉल भी हो सकती है, अगर यूजर आपको कॉल करना चाहे तो कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हो। स्टाइल एंड पोजिशन स्टाइल टू ही रहने दीजिए, क्योंकि बाई डिफॉल्ट टू जो साइज होता है वो काफ़ी सही होता है। और फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड चाहते हैं हम, क्योंकि हमारा जो आइकन हम चाहते हैं इस साइड ही रहे, राइट साइड में, तो इसे भी आप स्किप कर सकते हो। नीचे पोजिशन टू प्लेस, इस वाले पार्ट को आप देख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप बॉटम में रखना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पर है, तो आप बॉटम पे ही रहने दीजिए। टॉप पे करना चाहते हो टॉप पे यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आइकन है वो बॉटम में रहे। बॉटम 40 पिक्सल, बॉटम से 40 पिक्सल और राइट से 15 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से आपका आइकन आपका प्लेस होगा आपके होम पेज पर। अब डिस्प्ले सेटिंग्स में, जैसे अभी डेस्कटॉप और मोबाइल सेटिंग दिख रही है आपको, यहाँ पर शो हो रखा है दोनों में, डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों में आपको शो हो रहा है। अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो जो हमारा आइकन है वो डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल पे होगा। और अगर मैं दोनों हाइड कर देता हूँ तो दोनों में शो नहीं होगा। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ग्लोबल मतलब कि जो पूरे आपकी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे किसी पेज पे दिखाना है या फिर सिर्फ होम पेज पे दिखाना है या फिर किसी पोस्ट पेज पे दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि पूरा हमारा आइकन कहीं पर भी ना दिखे, वेबसाइट आपके डैशबोर्ड में तो रहे, आप इसे डीएक्टिवेट मत करिए। सिर्फ अगर आप हाइड ऑन ऑल पेजेस कर दोगे तो आपको जो आइकन है कहीं शो नहीं करेगा। अब जैसा कि मैं बता रहा था, ओवरराइड द ग्लोबल सेटिंग, मतलब जैसे आप पेज पे दिखाना चाहते हो, होम पेज पे दिखाना चाहते हो, पोस्ट में दिखाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन शो हो रखे हैं, क्योंकि हर कोई अपना जो नंबर है यूजर को दिखाना चाहता है, कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो आप यहाँ पर शो करके रख सकते हो। बाकी चीज़ अगर आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। और यहाँ पर लास्ट में सेव चेंजेस का ऑप्शन है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कर ली, सेव चेंजेस करते हैं। चलते हैं वेबसाइट पे, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए राइट साइड में हमारा आइकन आ चुका है। तो इसी तरीके से आप भी लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में क्लिक टू चैट, इस प्लगइन का नाम है और व्हाट्सएप आइकन होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। और अगर आप एक जर्नलिस्ट या पत्रकार हो, आप चाहते हो खुद का न्यूज़ पोर्टल बनवाना और न्यूज़ पोर्टल से ज़्यादा अर्निंग करना, किस तरीके से अर्निंग की जाती है,
क्या क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं गूगल एडसेंस के, गूगल एडसेंस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके न्यूज़ पोर्टल से अर्निंग कमाना, आई मीन डबल अर्निंग करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप एक न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।